सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग के बारे में। जी हाँ, अभी तक तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि सैमसंग का ये स्मार्टफोन आ रहा है, सैमसंग का वो स्मार्टफोन आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि भाई स्मार्टफोन तो आ रहा है लेकिन हम बजट कितना बनाए, हमको अगर वो स्मार्टफोन लेना है तो उस फोन की प्राइसिंग क्या हो सकती है, तो सभी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ पूछेगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग 10 अप्रैल को अपने 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, सैमसंग का A90, A70 और A60। बात करते हैं कुछ क्या क्या मिल रहा है आपको। तो सैमसंग के A60 और A70 में यूज़ करेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 का लेटेस्ट चिपसेट, काफ़ी बढ़िया वाली बात है। सैमसंग गैलेक्सी A60 में आपको मिलेगा पंच होल डिस्प्ले लेकिन वो एक LCD डिस्प्ले होने वाला है, जबकि आपको सैमसंग के A70 में मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, साथ में आपको इन्फिनिटी यूज़ का नोच देखने को मिलने वाला है। तो फोन का स्पेस मैंने सब कुछ वीडियो में बना दिया हूँ, जय मेरे चैनल में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बात करते हैं तो फ़ोन की प्राइसिंग। जो सैमसंग का A90 है, बताया जा रहा है कि इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो 40,000 के आसपास रहने वाला है। जी हाँ, 40,000 के आसपास सैमसंग गैलेक्सी A90 की प्राइसिंग यहाँ पर जा सकती है जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा पॉप अप सेल्फी कैमरा, जो कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको यह टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। और सैमसंग ने इसका नाम दिया है नोचलेस डिस्प्ले, या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी न्यू डिस्प्ले, मतलब न्यू इन्फिनिटी डिस्प्ले यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा। बात करते हैं तो मोस्ट अवेटेड तो मुझे दो ही लग रहा है जो ज़्यादातर लोग बाय भी करेंगे, सैमसंग का A60 और सैमसंग का A70। तो सैमसंग का जो A60 है, इस फोन की प्राइसिंग बताया जा रहा है कि 20,000 के आसपास रहने वाला है। जी हाँ, 19,000 में अगर सैमसंग का A60 आता है तो मेरे ख्याल से बवाल हो जाएगा और लोगों को यह स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आने वाला है। और बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो इस फोन की प्राइसिंग यहाँ पर निकल के सामने लगभग 25,000। तो 25,000 मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील आप लोगों के लिए होगा सैमसंग का A70, क्योंकि अब वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा चिपसेट मिल रहा है, हार्डवेयर मिल रहा है, डिस्प्ले मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल रहा है और कैमरा। यहाँ पर अगर हम लोग सैमसंग गैलेक्सी A70 की कैमरा की बात करें ना, तो मतलब सैमसंग ने भाई कोई कसर छोड़ा ही नहीं है। सैमसंग के A60 और A70 में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप और दोनों ही स्मार्टफोन आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मतलब यहाँ पर ये स्मार्टफोन जाएगा सैमसंग का A70 और बेसिकली वीवो के V15 प्रो को टक्कर देने के लिए यहाँ पर सैमसंग लॉन्च करने वाला है। अब उस फोन की प्राइसिंग थोड़ा हाई भी दे सकता है, थोड़ा लो भी दे सकता है, वो तो आने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो सैमसंग का जो A60 है वो लगभग आपको 20,000 में मिलेगा। तो 20,000-22,000 में भी आता है तो मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो अगर 25-26-27 तक भी जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डील आप लोगों के लिए होगा, लेकिन प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाइए मेरे चैनल में और सभी कुछ बना दिया वीडियो सैमसंग के A90, A60, A70 सब कुछ चेकआउट कर लीजिए, आपको सब कुछ इस पर पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।